أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आज मलखा 8 दिसंबर 2024 इतवार के दिन है। आज हम इंशाल्लाह ताला जो सूरा आराफ उसकी आयत नंबर 85 से शुरू करेंगे, 85 सफर नंबर 199 में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरहलि सदरी वयस्सिरली अमरी वहल उकदत मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। मेरे नहायत ही काबिल एहतराम तलबा कुरान, अस्सलामु अलैकुम। आज हम अपने दरसे कुरान का आगाज़ है सूरह अल आराफ 7 नंबर सूरत उसकी आयत नंबर 85 से शुरू करेंगे, 85 से। ये जो हम दुरुस्त कर रहे हैं ये महज जैसे कहते हैं नुमाइशी दुरुस्त नहीं है, ये दुरुस्त इंतहाई काबिल गौर है और हमने देखना ही है इन दुरुस्त से हमें मिलता क्या, हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, और उस हवाले से जो अम्बिया के हम तस्कार जलील करते चले आ रहे हैं। ये गालिबन चौथे नबी है शुएब, शुएब अलैहिस्सलाम। ये बिल्डिंग की असल बुनियाद है। तो आप गौर से सुनिए कि हमें इनसे निकालना क्या है, इन आयात से या इन दुरों से हमें क्या हासिल होता है, सबक के मिलता है, वो यही बनना है हमें, हमने तौबा होकर नहीं यही बने। तो बात यहाँ से शुरू कर रहा अल्लाह तबारक तआला, वह इला मदीना अखाहुम शुएबा, हमने मदीन की जानो, मदीन एक इलाका है, इलाके का नाम है, वाइला मदीना अखा हम शुएब, उनके भाई बंधुओं में से एक बंदा जिसका नाम शुएब था वो भेजा। काला उन्होंने क्या फरमाया जाके, या कौम इबुदुल्लाह, ये है सारे कुरान का जिस नुक्ता है मस का, इबुदुल्लाह, अब अल्लाह ही नहीं बनया तो कौन सी नमाजें, कौन से ज़कात, कौन से हज, कौन सी नेकियां, कोई वेट नहीं है। वो तो हिंदू भी दान पुण्य करते हैं, क्रिश्चियन भी करते हैं, दान पुण्य का मजहब नहीं है ये इस्लाम जो है। उन्होंने फरमाया या कौम, ऐ मेरी कौम, इबुदुल्लाह, अल्लाह के अबद बनो, अल्लाह की गुलामी में आ जाओ, महकूमी में आ जाओ। असल है अल्लाह की महकूमी इख्तियार करने का नाम अबद होता है, अबदियत होती है। इसके अलावा कुछ उसको नहीं जरूरत, ना तस्बीहों की, ना हजों की, ना ज़कातों की, अलग नफल नमाज़ जितने पढ़ी जाओ, अगर आप अपने रब की महकूमी में नहीं आए तो वहाँ कोई वेट नहीं है। ये उन्होंने कहा और ये आज के हमारे सबक है, ये क़यामत तक चलना है कुरान, ये नहीं कि हिस्से के वाक़यात बयान करके बस ख़त्म कुरानी की हिस्ट्री के, ये बात नहीं है। हर शोबे में उसकी बात को उसने खम तस्लीम करना है। हकुम का मतलब ये होता है जो आपका हाकम है उसकी हर बात को सरे खम तस्लीम करने का नाम अबदियत होती है। ये आप अच्छी तरह गौर कर रहे समझें, आप हम शुएब के काम बैठे हुए हैं,
और आज हमारे साथ वो मुखातिब है, ये समझे फिर वह समझ आएगी। अपने आप को उस ले लिया उस, ये ना कि समझे कोई और आसमानी मखलूक की बात हो रही है, आसमानी नहीं जमीन पे थे लोग, तो उनको कहा जा रहा था या तो मैं बहुदुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैर हो, उसके अलावा कोई इलाह नहीं है, अल्लाह या इलाह वाहिद तुम्हारा, उसकी महकमे में आ जाओ। हमें कहा जा रहा आज हमें, हम मुखातिब हैं, हम जो इधर उधर फेंकते रहते हैं ये सियासी चक्कर मजहब के चक्कर में या मजहबी पंडित के चक्कर में, उससे निकलना है बाहर, एक इलाह वाहिद के छतरी के नीचे आना है, एक इलाह वाहिद जिसका नाम अल्लाह है, उसके सवा इलाह है ही कोई नहीं। ये सब दुकानदारी हैं, ये पीर पंडित पुरोहित पादरी ये जितने भी हैं, चाहे यहूदियों का हाँ मजहबी पेशवा चाहे हमारे हों, इन सबसे सबसे जान छुड़ानी है। एक लाह बात कि जिनको ना छतर छा में आना, बस पंजाबी में कह छतर छा में आना, और उसके मरने के मिले आने में इधर उधर नहीं भड़कते पढ़ना। जब कायनात की हर चीज जो है इवन परिंदे तक अपनी सलात से वाकिफ है, अपनी तस्बीह से वाकिफ है, हम क्यों ना वाकिफ है अभी तक? क्योंकि कॉन्सेप्ट और अल्लाह जो है वो हमें नहीं मिला, कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह तौहीद, हाँ इस कुरान से लिया ही है तौहीद खालस, सिर्फ रब, बाकी तो हर चीज फानी है। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहु, ज़ाते बारी तआला ने बाकी ने ना बाकी सबको हलाकत होनी है, जितने भी जीने आप तो फरमाया कद जाअतकुम बैयनतुन, उन्होंने फरमाया मैं आपके पास बैयना लेके आया हूँ, बैयना वाजे हिदायत क्लियर कट, बैयनात बैयन का मतलब है वाजे सबूत मन में आ जाना, हाँ यानी ये जो कुरानी वही की बात हो रही है वाजे क्लियर कट लॉजिक्स रीजनिंग अकल की बातें बैयनात कहते हैं उसको, मैं तो हमारे पास लेके आया हूँ, समझ शुएब हमसे मुखातिब है, ये समझ ले। ये कम से कम 4-5 हज़ार 6 हज़ार साल का पीछे का वाक़ है, लेकिन कुरान तरोताज़ा है, हर वक्त जब भी निकालेंगे उसने सही सही फैक्ट इसमें दर्ज कर दिए कि तुम भी अगर वही रास्ता ख्याल करो जो उन कौमों का था, तबाह बर्बाद हो जाएगा जिस तरह वो कौमें हुई हैं। ये हमारे लिए मेशे राह है, फरमाया कद जाअतकुम बैयनतुम मिर रब्बिकुम, बैयना लेके आया हूँ आपके रब की जानिब से, आपने क्या करना है ये देखें, 5 हज़ार साल करीब की बात है। उन्होंने फरमाया औफुल कैला वल मीज़ान, कौन सी वाले पढ़ते हैं, वो कहता है तुसी अपने आजाद दुरुस्त रखो, कंडे बटे जिन्हों कहने हैं तोलने की, तोलने नाम अदल का नाम सारा आता है, औफुल कैला वल मीज़ान, नाप तोल सही रखो, अजान सही रखो, जालिमों के अंदर तवाज़ुन बरकरार, हाँ और आगे चल ऊपर चल कर ये हर शोबे में इस तवाज़ुन को कायम रखना है, तो वो अदलिया हो इंतजामिया हो कोई भी पहलू हो, अपने घर में क्यों ना हो, बीवी बच्चों के दरमियान, माशरे के दरमियान आपने
वजन को उसको तराजू को बरकरार रखना है, माप तोल के पैमाने सही रखने हैं, ये नहीं कि देने के और देने के और। ये वो कॉमिक आती थी, अभी आपका सामने आई आए थे। अब फरमाया वला ताखल सुन्नासा आशिया हम, ये बहुत बड़ी खबासत है इंसानों को दाल उगाना। आजकल हो रहा है, हो रहा हर जगह हो रहा है, ठीक है। किसी दुकानदार के पास रहे हैं, कम तो लेंगे जायद पैसे लेंगे। अल्लाह ने यानी आप हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, एडवांस साइंसिस मालूमत हमारे पास बहुत ये है मालूमत जिनको पूरा करना अपने माशरे के अंदर अपने बॉडी के अंदर तबादन बरकरार रखना है। ये जो कितनी भी एक्सपायरेशन के जितने भी है ना उनको सबको दफा करना, क्योंकि उससे फसाद फैलता है। बोला तब खास जो लोगों के साथ तुम डीलिंग करते हो उसको क्या करना, उसको कमी बेशी नहीं करनी। वला तुफसिदु फिल अर्द बादा इस्लाहिहा, इस्लाह के काम करने के बाद क्या करना है, उसमें फसाद बरपा नहीं करना। ये हमें बताया जाए, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, हिस्ट्री की बात ना समझे, सिर्फ ये फैक्ट है, हकायक अल्लाह ने हमारी किताब में जमा किया है। ये कहा है कि इस्लाही प्रोग्राम आ गया इसके बाद। हाँ, यानी जो ये वही का जो सिस्टम आया है, निज़ाम जो आया है कुरान के जरिए, इसके आप नहीं जरूरत आपको करने की, डंडी मारने की जरूरत नहीं है, डंडी नहीं मारनी। इसके फसाद फिर अर्ज पैदा होते हैं, फसाद फिर अर्ज पैदा होता है। अब जमीन एक जमीन 10 मरबे 100 मरबा एक बंदा इकट्ठा कर ले, फसाद हो आ गया ना। ये छोड़ना है निजाम, ये ऐसे नहीं बातें नहीं है, ये ऐसे नहीं लिख दी अल्लाह ने बातें, इनको छोड़ना है। जिस वक्त ही मुखातिब इन सामने होंगे ये बातें छोड़नी पड़ेंगी। और इस्लाह प्रोग्राम जो है, इस्लाही प्रोग्राम कुरान का, उस पर चलना पड़ेगा। ये कई जगह ये वाकयात आए हैं कुरान में, कई सूरतों में मिलेंगे ये अंबिया के वाकयात, और ये एक फैक्ट्स है, हकायक है। हमारे माशरे में देख रहे हैं कौन से शोबे में वजन कायम है, हर शोबे बेवजन है, बेतरतीबा, तरतीब ही नहीं हुई, क्योंकि कुरान सामने नहीं है। इन जालिम में नहीं, ये मजहबी पेशवाओं ने ये कुरान की ये हालत बना ली है कि ये कुरान जो है सिर्फ वेद वजीफियों की किताब है। ये पढ़े ये मिलेंगे, ये पढ़े ये मिलेंगे, ये करने का काम है, पढ़ने वाला काम नहीं है। ये डूइंग वर्क करना है इसके मुताबिक, पढ़ने का काम नहीं है, सिर्फ मुर्दे बख्श फाले। रोज टीवी पे ये अपने मीडिया पर देखें, मोरे में थोड़ियाँ मारे बैठे होते हैं, ऐत पाला सुबह तक रौनक लग रही, पैसे ही आ जाएगा, अरबों रुपये आ गए, करोड़ रुपये आ जाने। ये आयत पढ़ इतनी दफा पढ़ लो, इतनी ये कहाँ से लेके आकर तो कानून यहाँ तो नहीं लिखा हो, यहाँ तो नहीं लिखा, ये पढ़ोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। वला तब सुन्ना सा अशिया हम, डंडी मारो लोगों के
पैमाने पूरे रखो। ये फसाद फिर अर्ज पैदा होता है, किसी को नेक तैयार के सार मरबा या 20 मरबा या एकड़ों का साहब जमीन पे कब्जे कर ले। कौन है तो तुम? जमीन तो खालिक दी है, खालिक बनाइए। और तमाम बनी नौ से इंसान के लिए पैदा की है। एक बंदे के लिए या जागीरदार के लिए नहीं है, ये समझाने गए थे कौमों को। आप स्टडी करें, हम स्टडी करते ही आए हैं। तीन अंबिया पीछे गुजर गए, उनके भी पास भी इसराइल प्रोग्राम था, तो नमाज रोजा नहीं दर्शन गए। साले अच्छी साल ऐसा नाम पढ़िया, पीछे हूद देखा जड़ी उन्होंने लुटमार की होंगी सी माशे के जागीरदार सरमाएदार मिलके नाल मजहब भी पेशमान है। उन्होंने कला कर्म कर्म से कुरान आंदा है, और सब तो पहले मुखालफ भी उ करते हैं जिन्होंने मुखादा ज्यादा पे नहीं है उखालफत कर जिन्होंने भांडे भरे। बिल्कुल फरमाया ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन। ये मोमिनीन के लिए है, अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारा इसी में भला है। जब इस्लाही प्रोग्राम आ गया, ये खैर का प्रोग्राम, ये हमारा ये जो अल्लाह का रसूल दे के गया किताब, इसके मुताबिक अपने आप को डालना है। ये अबद होता है, अबद ये नहीं देखता अल्लाह कि दाढ़ी रखी सी, टोपी सिर ते पाई सी नहीं पाई, हज किते ने कहते, अल्लाह ने नहीं पूछना। अमल क्या मेरे प्रोग्राम के मुताबिक चले? ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो इसी में तुम्हारा भरा है। इवन उनको बता रहे थे मदीन वालों को, आज वहाँ हम आपको आप हम सामने मुखातिब हैं, लाहौर वगैरह कराची वगैरह इस्लामाबाद बिटी जहाँ मेरी आवाज़ जाएगी जाए वो मुखातिब है। एक किसी एक काम के लिए नहीं है ये प्रोग्राम। आगे है इन कौन तो मोमिनीन, मोमिन बनी फैदे तस्वीर फाड़ी हजार कर दी, हजार दिन ली तस्वीर भी फाड़े, बड़ा वाडा बन गया पीर खाना, बड़ा वाडा मुजाहद आ गया जी। इनका तस्वीर भी छड़ जाके माशरे की सलाह कर, अपने कंधे बटे दुरुस्त कर, बुराइयां दा खात्मा करो। हाँ, बुराइयां दा खात्मा करना। उन्हें भी तवीज देता अपने मुरीद को, ले भी तेरा काम हो जाओ और तुसी यह धन फड़ाता तो भी। और हजारों पहले देते हैं जामिया खुले जा उनको कोई तवीज दे, और पहले धन देखा किन्ना है हूँ किन्ना गया पैसे लेके। अल्लाह ने फरमाया था वला तश्तरो भी आयाते समनन कलीरा, कहा था ना नहीं थोड़े नहीं ओदी हकीकत गई पैसे दी। अल्लाह ऐसे आयत सामने हकीकत है वला तश्तरो भी आयाते समनन कलीरा, इस एदी कुछ वैल्यू नहीं पैसों की। अल्लाह ने भरमा कोई वैल्यू नहीं, कलीन हो या कसीर हो पैसे की वैल्यू कोई नहीं है। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन, मोमिन माना आसान काम है। मोमिन दे हर टाइम ओदी हाजिरी च रहिंदा, डंडी तो नहीं मारदा पे मोमिन खरा। आगे वला तक़ूदु बिकुल्लि सिरातिन, सही रस्ते को मत काटो। ओ उथे कहना पंजाबी सन ला के बैठो, कितों दाल आना, दाल आने वास्ते ना बैठो।
تُعَدُون وَتَصُدُّونَ عَمْ سَبِيلِ اللَّهِ تُسی کیا کہتے ہو اللہ کی جو راہ اللہ کی طرف جا رہی ہے اس میں سنگ گرام بن کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو مذہبی پیشوائی ہے تو سیاسی پنڈت یہ سب پنڈت ہی ہیں جگادری یہ انسان اس کے علاوہ جو کچھ لکھا گیا ہے وہ سنگ گراں ہے اس کے آگے ہاں سد کیا عن سبیل اللہ یہ راہ ہے سبیل اللہ کا قرآن اس کے راستے میں اس کو کاٹتے ہیں عنایت کی سیل پرچیز کرتے ہیں یہ نہ کرو سنگ گراں بن کے نہ بیٹھے ہو اللہ کی راہ میں اور من آمن بھی بتب ہو نہ عبادا یعنی آمن بھی آ ایمان تو اس کے اوپر لانا ہے اور اسی میں تم کجیاں کبھی تلاش کرتے رہے عبادا کیڑے ڈھونڈنا کیڑے کو ڈھونڈتے کام کرنے بھی بجائے یہ نہیں لکھا اللہ کی ابدیت لکھی نا وہ ابد نو پتا ہے میں کس طرح پرفارمنس دینی ہے مومن نو پتا ہوں وہ کمیاں کا جی نہیں ٹنتا وس کرو اس کن تم کلین فکس سارا کو اس وقت کو سامنے لاؤ جب تم تھوڑے تھے ایک قومیں مدین کو خراب ہو رہا ہے لیکن بات ہماری ہے میں بار بار اپنی توجہ ادھر دلاتا ہوں آ کے آ اس میں رہے ہیں ہمارے بھی فٹ آتی ہیں ہاں جی فرمایا تم قریب تھے یہ جب ہم آزاد ہو کے آئے ہندوستان سے اس وقت قلیل تھے مرتدار اب تو بہت زیادہ ہو گئے فکسا رکھوں ان کو بھی یہی بتایا جا رہا تھا اب اکثریت میں آ گئے ہو اللہ کی نعمتوں کی یاد کرتے ہو پیش نظر رکھو وز کرو کا مطلب ہوتا ہے اس یہ آیات کو پیش نظر رکھا وز کرو اس کون تم کرین ون وہیں وز کرو نیچے ہے ونظرو کیف کان عاقبت المسرفین جو میں آپ کو کرے مدین قوم کو بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کو اس بات پہ نظر رکھو کہ کتنے بدحالیاں کی ہوئی ہیں ان قوم کی مسرفین فسادیوں کی تباہیاں بربادیاں ہو گئیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے ونظرو دھیان تو کرو سب کیفا کانا عاقبت المفسدین سادیوں کا کیا حال ہوا اس کو پیش نظر رکھا ذرا ہاں جی بات سمجھ آئی ہے اللہ کے قوانین کو فالو کرنے کا نام ہے اللہ کے قوانین اللہ کے جو دیے ہوئے ہیں اس کتاب کے اندر قوانین ہیں جسے معاشرے کا توازن بگڑتا نہیں ہے سنورتا ہے اطلاع آتا ہے ہر طبقہ اپنے اپنے جگہ پہ بڑے آسانی سے فٹنگ کر لیتا ہے معاشرے کے اندر اور یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ یہی دنیا صرف اتنی ہی نہیں ہے آگے بھی جا کے حساب کا ہونا ہے اگر یہاں کچھ بہ گیا اس کا وہاں ہوا کر لے گا بات سمجھ آ رہی ہے حضرت صاحب سیر ماری فرمایا وَإِن كَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا ان میں سے یعنی جو رسالت
आई उनके पास रसूल आया, पैगाम आया, उस पे एक गुरु तो ईमान ले आया, मान लिया उन्हें कि असी तुहाडी गल मानने आ, रसूल नू कहा। दूसरे गुरु ने कहा सी मनना नहीं मनना ना मनो, असी 200 ग्राम सारा पाकिस्तान जो इस तरह वक्त है इला माशाला कोई निकाल है, दो चार परसन नहीं, दो चार दस आदमी निकाल लें 25 करोड़ में से। हम लम जो मीनू है अल्लाह ने कहा थे ये मान वाले नहीं है तुझे, वो कहते थे असी मान वाले, अल्लाह ने फौरन उन्होंने दुरुस्तगी की थी। ये थोड़ा बखा है कि शुरू आई आया दिन में उन्होंने कहा असी थे ईमान ये ना नहीं तीन नंबर आए थे ये देखें अलग तीन नंबर सफ़ा है इसके आठ नंबर आठ है वामिन नाश मैं यकोलो आमना बिल्ला ही बिल यो मिल आखिर वाहम भी मुनीन जवेद साहब ये आठ नंबर छिक नंबर आठ है सूरह अल बकरा की दो नंबर चैप्टर बड़ा कहला चैप्टर में बढ़िया नंबर प्लान वो सही सारा गोल के दस कराने अल्लाह के बंदे ये है छिक नंबर इस आयन की दूसरी सूरत की छिक नंबर आठ वामिन नास अब से भी कहने हमें आने वाले अभी अल्लाह दे मान आखरत दे मान असी मानने जा मैं यकोलू आमना बिल्लाही व बिल यौमिल आखिर तो अल्लाह क्या फतवा दे रहा है ये होता है फतवा ये फतवे देन मरे देन मरे के ये फतवा अल्लाह कह रहा है वमा हुम बिमुमिनीन ओ नहीं नहीं कोई भी मान नहीं तुहाडा ये जबान तक ही है अल्लाह नू मरने आखिर तो मानने अल्लाह फतवा दे रहा है झूठिया झूठी खदा कर दे फिर यो अगली है यो खादी और अल्लाह वल्लज़ीन आमनू व मा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम व मा यशुरून फराडिया झूठिया खदा कर दे वाला तो खदा जा तुम अपने आप को खुद धोखे ने मिले डाल रहे ये कह के ईमान वाले बन गए तुम्हें क्या पता ईमान क्या होता है। तो इस तरह उस जी कौम सी उन्होंने एक गुरु तो ईमान ले आया जोड़ा रसूल पैगाम लेके आया सी दूसरे के वाइफा तुम लम यो उमीन दूसरा गुरु लिया ईमान फस बिरु अल्लाह ताला फरमाया फस बिरु हत्ता यहकुमुल्लाह बैनना वल खैरुल हाकिमीन सब्र करो रसूल को कहा गया शुएब अलैहिस्सलाम इस्तकामत रखो सब जो ईमान मरे सी उन्होंने क्या कहा फस बिरु हत्ता जब तक क्या होगा यह को मुल्ला हो बैना अल्लाह हमारे जो मैन फैसला करेगा वो बेहतरीन फैसला करने वाला है वह हुआ खैरुल हकीमीन। ये एक मेरे जहन में एक आ गया मुकाम और भी इसके साथ ही मिला रहे हैं ये मसीह अलैहिस्सलाम के वाले से एक मुकाम आया मेरे सामने वो भी ज़बरदस्त है ये 716 सफ़ेद पे है 61 नंबर सूरत है आज सब इसी के हवाले से है मेरे सामने में पाऊँ आज नंबर 14 है 716 सफ़े पे सूरह अस्साफ़ा आ रही है पीछे से इसके आज नंबर 14 है फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू
कूनू अंसार अल्लाह, चाहते हो नाम अल्लाह का लाना, कूनू अंसार अल्लाह, मददगारी करो अल्लाह की, अल्लाह के कवारीन को अपने माशरे में लागू करने के लिए मददगार बनो, अल्लाह को मददगार की जरूरत है। ये जो निज़ाम जो दुनिया का है, ये इंसानों को हाथ ही सही होना है, इंसानों को हाथों से खराब होना है। अगर अल्लाह के मददगार बनना है इस प्रोग्राम को एस्टैब्लिश करने के लिए, लागू करने के लिए, ना ईमान वालो कौन हो अंसार अल्लाह, ए ईमान वालो अंसार अल्लाह बनो, अंसारों ना मददगारी प्रोग्राम के लागू करने की मदद करी करो। तो माँ काला ये ईमान वाले से क्या कहा, इस तरह करनी मददगारी, जैसे काला कमा काला ये सब नो मरियम लिल हवारी ये ना, जैसे मसीह आश्रम ने इसम ने अपने हवारी जो उनके साथी थे उनकी जमात में दाखिल हो गए, उनसे कहा कि उन्होंने पूछा अपने साथियों से, हवारी कहते हैं साथी जो चल रहे साथ चलते हैं, काला मन अनुसारी इल्ला हवारी, उनसे पूछा कौन है अभी जो इस प्रोग्राम में शामिल होगा अल्लाह के निज़ाम के लिए, कौन है कौन मददगारी करेगा। तो उन्होंने कहा जो हवारी थे, काल हवारी यू नहनु अंसारुल्ला, हम चलेंगे इस प्रोग्राम के साथ, इसके नफाज के लिए हम आपके साथ खड़े हैं, हाँ साथ खड़े हैं इस प्रोग्राम के नफाज के लिए। ये वही बात जो पीछे दो ग्रोहों के मिन बनी इसराइल व काफरा ताइफा, जो दो ग्रोह पीछे शैब की कौम से बने थे, ये भी एक हवाला उसी के साथ अल्लाह फरमाया है, उनमें से एक ग्रोह जो था ने जो था बनी इसराइल से, एक तो ईमान वाला बन गया, आमत बस वो ईमान ले, ताइफा कहते हैं ग्रोह को, ताइफा बनी इसराइल, बनी इसराइल में से एक ग्रोह जो था वो मसीह अलैहिस्सलाम पर अल्लाह पर ईमान ले आया, वकाफर ताइफा एक ग्रोह इनकार करके कुफर किया, जिस तरह पीछे पड़ गए ना एक ग्रोह जरा सी ईमान माने आया, दूसरा ग्रोह नहीं मनिया, पढ़िए साथी नंबर आए अल्लाह, इसके साथ ये हवाला अगर आप नोट करना चाहें, वकाफर ताइफ एक ग्रोह ने ईमान ले आंदा, दूसरा ग्रोह कुफर करके बैठा, तो अल्लाह क्या करे, अल्लाह फरमाए فَأَيَّدَنَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوبِهِمْ, جوڑا گرو ایمان لے آئے رسول تھے اس کو اللہ فرمائے ہم نے ان کو قوت عقاد دی طاقت دے دی فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا طاقت دی ہم نے قوت ہم چاہیے کن کو ایمان بڑھنے کو किन के ऊपर अला अदुविहिम दुश्मनों के ऊपर जोड़ो जो अल्लाह का एनिमी था उस ग्रोह के ऊपर ईमान वाले को फौकी दे ताकतवर बनाया फसबहु ज़ाहिरीन इस तरह वो गलबा पा गया उनके जो भी अंसार अल्लाह बनेगा उसका अल्लाह ताला अपग्रेड करेगा मदद करेगा पीछे आए 199 पेज 7/88
देखें ये ऊपर से शुआब अलैहिस्सलाम का जिक्र आ रहा है, उनकी बातें चलनी है। 88 आयत पे हम पहुंचे। قال قال الملأ الذين استكبروا من قومه, वो जो बड़ेरे थे मुस्तकबिरीन, दादागीर, जमीनों पर कब्जे, वसाइल पर कब्जे करने वाले अफराद, जो हमारे पाकिस्तान में बहुत है, जिनका वसाइल पर कब्जा है और हजार लाखों दुनिया जो है, लाखों दुनिया बेचारी रोटी से माजूर है, रो रही है, उनका जीना ना जीना एक बराबर है, पैदा होते ना होते एक बराबर है। ये इनको क्या तकलीफ बनती थी रसूल से? ये तो मुस्तकबिरीन को क्यों सामने आके ललकारते थे रसूल को? ये है बात समझने वाली। इनको बड़ी, हर नबी के सामने यही फ्रंट लाइन पे आए हैं, रसूलों की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी सबसे हर पद बड़ी जरूरी ये मुस्तकबिरीन के वो मौका कर कैसे होते हुए मुतवली बने हो जाए जाली बैतुल्ला के, उनके उन्होंने सबसे पहले अपने रसूल की, हमारे रसूल की मुखालफत की थी, और हत्या के उनके वो रिश्तेदार भी थे, रसूल के रिश्तेदार थे, लेकिन थे मुस्तकबिरीन बडेरे, ये जो जागीरदारियों का इंकार के बैठे होते हैं, सरंती समाजदार हों या जागीरदार हों, ये आते थे मुखालफत में। ये स्टोरी है, ऐसे नहीं है, ये हकायक है। अब भी ये होगा अगर हम इनके खिलाफ चलेंगे ना, अल्लाह के निजाम में लेके सबसे पहले ये माल खर्च करेंगे। कालल मालव, मालव होता मालदात, जिनके बर्तन भरे होते हैं, बैंक बैलेंस अरबों खरबों के, उसमें मजहबी पेशेवर शामिल होते हैं, जो उनको क्या करते हैं, उनके हक में दुआएं करते हैं, फतवे देते हैं, वाह जी वाह क्या बात में, यहाँ साहब कमाल का चली। ये आप रोज देखते होंगे, बुजुर्ग करे ना यार माद दौर के साथ, ये तबका लाजमी खड़ा होता है फतवे देने के लिए गरीबों के बरखिलाफ, माद दौर को और इनकार करे, हाजा मैंने फसल रबी नाल कहते हैं, हजम इन फर्ज ली, सारे फसाए थे कब्जे के थे, हर पास रोक लाई, कोई पानी ना पीए, तो फिर वो मोरी फसा के हाजा में फर्ज ले रही है, वो बाई भी लिखा देना श्री चंदन पतन हाजम इन फर्ज ले रही, वो मर गया बेचारा गरीब मर गया, रोटी तो मर गए, ये हाजा में फर्ज ले रही, उन्होंने राग ला सुनाते मर गए, वो तहनू इतने सबर करो, उड़ा अखीर तहू उ मिलना, उन्होंने इतला दौरी दे, हाँ सानू खान पीने उ उड़ा अगे, तो भी उन्होंने उ भी निकल जाए क्योंकि सिफारिश हो रही है ना। 11 उसमें भी यही चीज माल कालन मालो हो, ये कभी सुनाता है मौलवी खोल के
मार दे उनके खिलाफ, उनको कट के बार मरण गे मौजूद सुना के देखा मैं मारा हो नस तक बरू केवल कायम करके बैठे अपना असि कभी बड़े बड़े फनकार थे मुतकबरीन वो आते थे नबी के मुखाल उनकी काम के जो मालदार तबका थे मुतकबीन वो क्या कह रहे ला नखर जन्न का या शुएब है गिल साहब तुसी ना कहते जा जा उन्हें दिशा में ना बता मुझे लगे तो बाबा तो माफी दे गए ना जी शैव लेसन उन्हें कह रहे हैं ये मालदारी है डाकू 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 वसाइल पर वसाइल अलग है काबिल गरीबों ने कहा यार तानो अगे मिलना है मैं परेशान होएगा ओ की कह रहे हैं बड़ी जबरदस्त बात की थी ना वो कहते ना ला युखरी जन्ना का या शायब और तेन कट के बाहर मारना तो मुल्क बदल कर देना तेरा उखा पानी बंद कर देना तेन बाहर कर देना वाला दी ना आमनु मा का मेन का या तेना आओ लता दुना में फिर मिला तेना देखो जी कैसा उन्होंने देखे जे मालदार साहब आगे जवाब नबी ने कह रहे ने तेन ते तेरे साथियों असि कट के बाहर मारना मुल्क देश देश निकाला देने दा तानू बदर गल हां मुल्क तो बदरी लख लाख दो ना ला नखरी जन्नका तेनो तुम्हें अरसुर शैब वल्ला जी ना आमन वाका और जेड़े तेरे मान ईमान ले आए ना ले फेना नाल तेन तानु थर्मन कट के बाहर मारना फीक मिन करिया ते ना ऐ अपनी बस्तियों तो तानु कट के बाहर मारना ओ लता उद्दू ना फी मिन लते ना या तुसी इस तरह करो साढ़े मौका फिर ही आ जाओ साढ़े पैसे कपे पैचा कप कर लो पैचा पकड़ लो जिसने सोल सलर सोल और कहने से यार तू सारना पैचा को बल काला कुछ आप ही आ करना मरा सोडियम मन ला राल के चल दे लो रदम हो गए ये अगवान नो दिन दे सन सब यार तो थाड़े मौकफ से आया फिर मिला ते ना जो उसी पे करने जिसे फलसफे ते सी और मन करने यार तो उसे ते ही आया रल के लुटे रहना काला आवारा कोना कारी ही क्या बात असाने बड़ी तकलीफ है जब तू बयान करना पे ना इतना सानू बड़ी वजारी कारीहीन कारीहीन के अंदर सानू बड़ा बुर लगता है साढ़े नाराज से एक गल फिट नहीं बनती पंजाबी जी कहते जहर वर्गा लगने हाँ बिल्कुल नापसंद कारीहीन नबी क्या कहता है नबी तो कहता है सोलहवीं कई मुकाम क्या के ऐ लोगो ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦਖਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਹੀ ਆਓ ਰਾਜ ਕਰ ਲੁੱਟੋ ਪੁੱਟੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਇੰਨੇ ਆਮਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦਫ ਤਰਾਇਨਾ ਅਲੱਲਾਹ ਕਾਜ਼ਿਬਨ इन उदना फी मिल्लतिकुम मैं ते लाया के आया यानी मैं तो अल्लाह का पैगाम लेके आया हूँ तो मैं समझता हूँ ये सही पैगाम है अगर मैं आपकी बात पर चलना शुरू कर दूँ इसका मतलब मैं इफ्तरा किया है अल्लाह पर झूठ बंद है झूठियाँ गलत तर दसियाँ ने ये तो मैं मुजरम हो जाना हो जावांगा
का दिफ्तराई ना, इसका मतलब मैंने इफ्तरा किया है अल्लाह के हवाले जो बातें की हैं अपने को बल्लब करी हैं। ये मान जा कहते जी कुल या कौम मालू अला मकाना थी क्यों तुसी कहो जो करना मेरा कम करन दो रुकावट ना बनो ऐ दर देश निकाले मेरे घर की थी ये ना करो लाइए हुई जन्ना का ऐ मोटे ढिडा ना बले जगीदार यही था ना उन्होंने औलादा ने साढ़े घर आई ने नाम तो हमें पता ही है बड़िया भी कि छोटे कि मैं अगर ये गल करा ताड़ी मिले ते आ जा ताड़े फर्स पे थे आ जा ते इदा मतलब मैं सारा गलती हो गया इफ्तरा करदा रहा कद इफ्तराई ना इफ्तरा करदा झूठ झूठ मैं कहता रहा तुम जो हूं तक तुम मैं पैगाम रखा दल ये गल करके मैं झूठा डिग रहा हो जा है इज नजान अल्लाह मिन जदों के अल्लाह तुम सू याद दिता है याद चुका है तो हम हूँ अगर मैं अब ये बात करूँ तो मेरे सारे जो 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 बातें मैं अल्लाह के हवाले ने कीती हैं इहदा मतलब मैं झूठ बंदा रहा तुहाडी गल ते लग जा ये नहीं हो सकता वामा यकोलु ना अनउदा फीहा इल्ला अन यशा अल्लाह रब्बुना एक एक लफ्ज एन तोल के अल्लाह ने लिखा है तोल के यह है वजन कायम करना कुरान की हर आयत वजनी है बैलेंस है बैलेंस मतवाजन फरमाया मा यकूनु लना अन नऊदा फीहा इल्ला अन यशा अल्लाह रब्बुना मेरे शाया हमारे शायर शान नहीं है हमारे बस के में नहीं है ये मैं जेब नहीं देता और अल्लाह का रसूल उनको बता रहा भी आलो हमारी शायर शान नहीं दी ये बात जो हम इफ्तरा करें तो हमारे शायर शान नहीं है कि दोबारा सी लौट जाइए ताड़ी गल से ये नहीं हो सकता अल्लाह अल्लाह आगे फरमाया इल्ला अय्यशा अल्लाह रब्बना जबकि अल्लाह की मशीयत है वो तो सापा रहा है ना उसकी मशीयत के पर तो हम नहीं चल सकते उसके उसका कानून है अगर मेरे कामरीन पर अमर करोगे राहें खोल देगा अल्लाह ये नहीं जो जो चाहे अल्लाह ये नहीं हमार मशीयत कानून है इसका अब बहरहाल अच्छी अल्लाह के कानून चलना जो इच्छा है उसके पे चलना हमारे हमें ये जेब नहीं देता कि हम एक बात हक बयान कर गए अब खुद ही उसको बदल कर देते कैसे हो सकता ये बड़े डिटरमिनेशन वाले की गल है डिटरमेंट बंदे जो होते बहुत अपने मौके कायम रहते डटे रहते दोस्तों से बढ़कर कौन कायम रहने वाला होता है आगे है वैसे वसे रब्बुना कुल्ल शैइन इल्मा अल्लाह का इल्म जो है रब का हमारे रब का हर चीज का इसको इल्म है बहुत होता है वसी है अगर उन्होंने फरमाया ये है रसूल
इतने बड़े भेड़िए भेड़ियों के मुकाबले में बात करना कोई मजाक नहीं है। भेड़िए तो जालिम इधर भी है भेड़िए, ये उनसे बढ़ गए नवी रोशनी दे चेन में, इसको नई रोशनी कहते हैं, एडवांस हो गया, असि बड़ा कलमंद, असि ब्रेस्टी करके आए, कोई कुछ करके आए, इकोनॉमिक्स पढ़ के आए इंग्लैंड तो अमेरिका तो, यही कहते हैं ये नई रोशनी दे बंदे, लेकिन उस जमाने तो बदतर लोग ने, वो तो ठीठ है ऐसे, ये नाल लॉजिक देंगे ने, जे इस तरह कर लो ना सूद हलाल हो गया। ये मजहबी पंडित बड़े बड़े फतेह भाई बास जस्टिफाई कर दे, अल्लाह के जो कानून नो वायलेट कर दे, नाफरमानी कर दे, बड़े बड़े जय्यद आलम अपने आप को समझते हैं, बैनुल अकवामी ये जो दिन के नाम है इंटरनेशनल मौलवी सूद हक च फतवा दिता, खिलाफ सूदी कारोबार जायज करा दिता है, बड़े बड़े फतवेबाज इनकी अल्लाह ने चीखें निकाल ली है, सारे बैंक पंफलेट रखे ने कहानियां किसी ने इस तरह जायज ऐसे तोड़ मोड़ करके सूद को जायज करा दी है, और अपने बैंक बैलेंस अरबों खरबों रुपए इनके बैंक बैलेंस है, उनके चार्जेस सूद से ज्यादा है हाँ। इस्लामिक बैंक वालों हाँ, उस हाँ, उनके चार्जेस ये बैनुल कवामी फतवाबाज है, कहते हैं इतने बड़ा आदमी है ही नहीं, कैसे हो सकता जो सूद को हराद करा दे, उससे बड़ा को तो भाई हो ही नहीं सकता आलम, उन्होंने नजदीक इस तो बड़ा हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता, जो 76 पाए ना पुठिया करके लाने मारे ने चंग चीखा नहीं निकली है, इन्हें बड़े सवाद लैके गल्ला करते हैं, बड़े मजे लैके सूद में हलाल करा देता, इतना बड़ा कहते है ही नहीं इस्लामी फकर फतवा चलता पूरी दुनिया च। कराची में सर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे ना चारों मजहब के मजहबी रहनुमाओं की तस्वीरें बना के ना इस्लामी क्रिश्चियन यहूदी और ईसाई और मुसलमान, तो लिखे हम चारों मिल के और पूरी दुनिया को सोच से पाक करेंगे इस्लामी बिल्डिंगों पे लगे ये बगावत है अल्लाह के सब के खिलाफ बगावत है, बेबागी है, और सब लोगों का जितना हो गुरा सब इनके जिम्मे आना है, पहले इनकी पकड़ होनी है बाद में उनकी लाइन लगनी है। यहाँ आते थे हमारे पास दस रुपये, उनसे बात हुई सूद की, मतलब वो भी लिखे अगर कहते पैसा ना, वो जैसे ही पाई कराए सारे को कि तुम कह दे थे ये, वो हम उस तो बाद आए नहीं और साहब उन्होंने लग गया ना जस्टिफाई कर रहे हाँ आई नहीं तस्लीम ही नहीं कर दे कि ये पॉइंट है, अल्लाह के कुरान बार बार कह रहे हैं जिते बढ़ोती होती है नोटा ना नोट ले लग दियो है 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 पक्का सुन दे, उस कोई ना नहीं हलाल करा दिया है अल्लाह के खिलाफ खुला इन्होंने बगावत है जंग है, इसलिए इस कौम का बेड़ा गर्क हो गया, दुनिया सारी का बेड़ा गर्क हो गया, कहां भी चले अमन नहीं है। आगे फरमाया अल्लाह तवक्कलना आयत नंबर 89 चल रही है, अल्लाह तवक्कलना हाँ, उन्होंने कहा अल्लाह हम आप पे भरोसा करते हैं, शैब उनके साथी कह रहे हैं तवक्कलना रब्बुना रब नफ्तह बैना ना व बैना कौमिना बिल हक व अंत खैर फातिहीन, वाह देखा है सर साहब
दसूल कह रहे हैं कि अल्लाह हम आप पर तवक्कल करते हैं, आप फैसला कर दे रब्बर मनाफ्ताह बैनाना व बैना ना कौमिना, हमारी कौम और हमारे दरमियान अब फैसला कर दे कौन हक पे है, सच पे कौन है, झूठ कहना बिल हक हक के साथ फैसला करे। व अंत खैरुल हाकिमीन, परवरदिगार तुमसे बड़ा कौन फैसला करने वाला है, इनको लग पता जाएगा ये फैक्ट्रियों चेदार सूदी कारोबार सू तो पैसा वो फैक्ट्री लगती है, फैक्ट्री बच ही जे मौलाना साहब तुम सुने ना बड़ा रट्टा पाई बैठे ने मैं लैके आ रहा जरा जलूस लैके आ रहा साढ़े मदरसे मुतालबात की है तो सानू जरा सनत साजी की वजारत ना वो जोड़ो महकमा तेली तालीम के नाल ही जुड़ना, हालांकि महकमा तालीम की जेरे निगरानी आ गए 30,000 ने मदरसे 18,000 ने कबूल कर लिया इस्लाम तालीम के मतह महकमा तालीम के असी मतह चलेंगे, ये कहना नहीं सनत हो रही नाल मिलाओ ते तेरा की मतलब है भाई सनत हो रही तू इंडस्ट्रियलाइज करना अपने आप सही ये है ये इस, है झगड़ा जो चल रहा है उसकी इंडस्ट्री है, है उसकी इंडस्ट्री है हाँ ये ओ, ओ, जो बहुत बड़ा बिजनेस है फैक्ट्रियां ने बहुत बढ़िया फैक्ट्रियां नहीं नहीं उसके मदरसे तो काफी है ये बगैर मास्टर ये मदरसे तो साइड वाला बिजनेस है ना प्रोडक्शन करने के लिए ओ ओ नो उधर डीजल का और पता नहीं किस किस की फैक्ट्री उधर ओ छूट ला लेंगे ना बच्चे ना नहीं आती ना दी टैक्स छूट में मिलेगी ना बच्चे उधर सानू तो हिरफत ना सानू जोड़ो वो क्यों भी ये इंडस्ट्री है ना ते बचे और उसके मुहारफ खड़े हो गए उन्हीं में से जेड़े जुड़े ने तालीम दे नाल महकमा तालीम वो दिन मुहालफ आ गए ने तेनू कहने क्या है संदर से समझाट जाट सानू ये है इन लोगों का किरदार कुरान ही है कुरान सामने आया ये दो मिनट खड़ा सकते क्योंकि हमारे पास कुरान नहीं है बात तो इसके स्तर पर करनी है आगे सुनो 90 नंबर आयत वकाल माल उल जीना काफरू मालदा तबकात फिर जिन्होंने कुफर किया था मिन कौम ही उनकी कौम में से कह रहे हैं लइन तबअतुम शुएबन इन्नकुम इन्नकुम इज़्ज़ल लखासिरून अपने साथियों अपने कौम ने कह रहे हैं और जेडे मालदा तबकात है अगर तुसी शैब दी पैरवी कीती लइन तबअतुम शुएबन इन्नकुम इज़्ज़न लखासिरो तुसी खसारे च चले हो ये अपनी कौम ने कह है जेडे होंदे ना समाज बड़ी बड़ी कहानियां बहुत सुनाते हैं अपने आप जसरी फाइक बड़ी अपनी कहानी अमरीका दिया लंडन दिया यूरोप फ्रांस दिया के जी देखना कितने कितने पहुंच गए उन्होंने फैक्ट्रियां चले मजदूर कारण कर देते पेने खून पसीना उनको देते हैं पर उनको क्या देते हैं खून चूसते हैं हड्डियां जो गूदा काट लेते हैं इनके खून पसीने की जो बैंकों में रखी हुई कमाई से ये अपनी इंडस्ट्रीज बढ़ाते हैं हाँ बिल्कुल वो हजारों लोगों के पैसे एक बंदा ले जाता है हाँ फैक्ट्रियां आपको पता है आपको वही सर तो रही हमारे सामने उसके जो कौमी ये कहती है उनकी हमारे सामने फैक्ट्स बयान किए अल्लाह ने आज भी यही
आज तो उससे ज्यादा ज्यादा आगे फरमाया जब ये बात हुई فأخذت هم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين हम भी पकड़े जाएंगे ये उनके पर अजाब आया फिर रजफ जल्दे कड़क रहते आगे पकड़े सारे जो मुनकरीन थे वो सुबह सोते ही सोंगे मुद्दे हुए थे ये कहानी नहीं है ये फैक्ट है हमारे साथ ही फिर होना है आप अपने हो रहा है भूख और खौफ का अजाब हम पर मुसल्लत है और क्या हो है हमारी इकॉनमी हमारे हाथ में नहीं है उनके हाथ में अमेरिका के इदारे के हाथ में आई एम एफ तय करते हैं हमारे रेट तक वो तय हाँ हमारे हाथ में नहीं है ये अजाब नहीं है वो क्या हमें हमें कहा आजादी मिली है पुठे हो गए ऐसी करण तो हमारे अलग का हमारे साथ बहुत प्यार है कितना टाइम दे रहे हैं ये सिर्फ उसी को अजाब समझते हैं कि आसमान से आग के बारिश हो हाँ, या बंदर बन जाए हाँ, ये वाला जो अजाब हम पे मुसल्लत है ना जो हमारी नस्लों को खा गया है ओ नहीं ये इनको नजर नहीं ये नहीं होता ये उधर ने भी बड़ा अजाब जी है तो सही लेकिन उन्होंने वो कहते हैं अजार ही अजाब आग साढ़े ते सुटी रहे फिर समझने की अजाब है अल्लाह जी ना कज़्ज़ब वो अगली आयत वो जाल ने पकड़ लिया ज़्यादा आया सारी कौम लम्बी पै गई मुनकरीन जिन्हें भी ईमान वाले भजन है सोते को सोते रहे हाँ ईमान वाले भजन है उन्होंने कर लेंगे उन्होंने नहीं करता गड़बड़ी उन्होंने अल्लाह जी ना कज़्ज़ब वो शुएबन का अलम यगनो फीहा ओए होए अल्लाह जी ने कज़्ज़ब शुएबन कानू हुमुल खासिरीन जिन्होंने शुएब की बात को छुड़ाया वो शुएब की गल थोड़ी सी उधर अल्लाह की गल थी हाँ अल्लाह की गल थी जो शुएब के जरिए आ रही हाँ उनके जरिए बात आई आई अल्लाह जी ने कज़्ज़ब शुएबन जिन्होंने तकदीब की ये कुरान आप भी शुएब ही सुना रहे हमें हम क्यों नहीं मानते इस वक्त मान लें हम बच जाएंगे जो लोग जो कुरान सुन रहे हैं वो बचेंगे इंशाल्लाह तक बाकियों की कोई गारंटी नहीं कुरान सुन रहे हैं और अमल भी पैरा है वो बचेंगे ये गारंटी कुरान उनको बचा लेते हैं जो रसूल के पीछे लगता है उनको बचा लेते हैं कहते हैं ऐसा कभी वो दुनिया से आए ही नहीं सी कौन इस तरह हों बरकस ने कहा अल्लाह ने कहा अल्लम यागनो फीहा अल्लाह जी ने कज़्ज़बो शुएबन कानू हुमुल खासिरीन खसारा तो उन्होंने आया ना उनको जिन्होंने तकदीब की शुएब की खसारे भरे वो हो रहे जो उनके साथ चले हैं वो तो काम ही हो गए फतह वल्ला अनहुम शैब वहाँ से निकल आए बैकआउट कर दिया वकाला या कौमी ए मेरी कौम लकद अब लगतुकुम रिसालते रब्बी वरना सहतु लकुम मैं तो अल्लाह का पैगाम तुम पहुँचाता तुम नसीहत की सी मैंने आपको नसीहत की थी ए मेरी कौम अल्लाह का पैगाम के दिए फ़कैफ़ा आसा अला कौमिन काफिरीन मैनू की अफसोस है तुसी नहीं मान लिया ना सी मैनू अफसोस नहीं इस गल तो ये है ये जो रिसालत का पैगाम ये जिंदा कुरान में ये चीज़ें दर्जे हैं وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ بس اینڈ اس سے پیغام تھا
हमें अल्लाह फरमाए हमने तो हर कईयों में रसूल भेजे मगर जो उसके रहने वाले बासी थे वो पकड़े गए नहीं उन्होंने मानी बात फिर मुसीबतें परेशानियाँ उनके ऊपर आ गई हैं उनको अल्लाह ताला ने ऐसी मुसीबतों में आगे वो नाजुक कर दी उनके वहाँ से निकलना फिर नहीं होता इंसान के अब पैसे पहले पहले मौका देता रहते लेकिन जिस वक्त आखिरी टाइम आ जाता फिर ऐसे रस्सा खेल देते फिर नहीं छोड़ता बस हो गया ख़त्म हो गया दोबारा ये यहाँ तक के रखते हैं ये सूरह अल-आराफ में उनका बयान था जनाब शुएब अलैहिस्सलाम के वाले से इंशाल्लाह आगे चलेंगे थोड़ा जाएंगे ना ये हूद में उनमें भी इन्हीं के वाक़े आएंगे अबदियत अल्लाह के जो निर्गय बस ये है अल्लाह के अबद बनना अबद बनने से इंसान की फलाह है बहुत इंसान पीसफुल हो जाता है अगर अल्लाह के अबद बनो पीसफुल हो जाता है और जी होंगी अफरा तफरी वो निकल जाए सुकून आ जाता है ठंड पै जी ठंड पै